आप बढ़िया अपने टू व्हीलर पे जा रहे हो और अचानक से ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोकते हैं और आपका चालान कट जाता है। और आपका चालान अगर आपकी स्कूटी या बाइक की कीमत से ज्यादा हो, मतलब मान लीजिए 3-4 साल पुरानी स्कूटी है आपकी और ऐसे में 50,000 रुपए का आपका चालान हो रहा है, तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं और आपको क्या करना चाहिए? हमेशा की तरह कुछ वैल्यू एडिशन करके जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अब चालान हो चुके हैं ऑनलाइन और ये चालान उसी एड्रेस पे भेजा जाता है जो व्हीकल खरीदते समय आपने दिया होता है। एड्रेस गलत होने पर चालान लोगों तक नहीं पहुंचता और क्योंकि व्यक्ति गलती बार बार कर रहा होता है तो ऐसे में उसका चालान बढ़ता ही रहता है। चालान कटने पर आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक आप वो अमाउंट पे कर दीजिए और दूसरा आप चालान के खिलाफ अपील कीजिए। पर क्योंकि चालान काटते वक्त आपकी बाइक का फोटो भी खींचा गया था, इस बात के चांसेस कम ही होते हैं कि आपका चालान माफ होगा। तो ऐसे में घर आइए, ठंडे दिमाग से अपने व्हीकल की कीमत निकालिए। अगर चालान का अमाउंट उसकी कीमत से ज्यादा है तो अपने टू व्हीलर को भूल जाइए और कसम खाइए कि आगे से आप नियम नहीं तोड़ेंगे।